देव उठनी एकादशी पर भूल कर भी मत करना यह काम। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विधान है। इस दिन से ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और उपनयन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि देव उठनी एकादशी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि देव उठनी एकादशी पर क्या करना चाहिए। पहला, देव उठनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। दूसरा, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे यह सभी चाहते हैं, तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में विष्णु भगवान की आरती करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तीसरा, आपको जीवन में सफलता मिले इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं, हो सके तो इस दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। चौथा, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर अथवा कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। पांचवा, देव उठनी एकादशी के दिन आप निर्जला व्रत रखें, परंतु यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। छठवां, एक मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के प्रतिमा के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सातवां, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। आठवां, देव उठनी एकादशी के दिन किसी गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। नौवां, सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए देव उठनी ग्यारस के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न या धन का दान जरूर करें। साथ ही जिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस दिन केसर, केला या दही का दान जरूर करना चाहिए। दसवां, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि देव उठनी ग्यारस के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी में जरूर स्नान करें या घर में नहाते समय पानी में गंगा जल जरूर मिला लें। आइए अब जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पहला, हिंदू शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी वाले दिन किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, देव उठनी एकादशी पर गोभी, पालक, सलजम आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, देव उठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। चौथा, एकादशी वाले दिन पर बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। पांचवा, एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। छठवा, इस दिन कम से कम किसी से भी बोलने की कोशिश करना चाहिए और भूल कर भी इस दिन किसी से कड़वी बातें नहीं बोलना चाहिए। सातवां, तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो उससे
विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। आठवां, चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देव उठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रेंगने वाला कीड़ा बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि इस दिन किसी तरह का कोई नशा आदि भी ना करें। नौवां, किसी के लिए बुरे विचार ना लाएं। देव उठनी एकादशी के दिन किसी के लिए भी अपने मन में बुरे विचार ना लाएं। साथ ही इस दिन किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। दसवां, देव उठनी एकादशी पर तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती ना करें। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और व्यक्ति कंगाली की कगार पर आ जाता है। लहसुन, प्याज, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत मोक्ष दिलाता है, परंतु इन नियमों का पालन न करें तो यमराज की यातनाएं झेलनी पड़ती है। ग्यारहवां, व्रत का फल तभी मिलता है जहां मन इष्ट देव की भक्ति में लगा हो। इसलिए देव उठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचें, किसी का अनादर ना करें, अपशब्द ना बोलें। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।